हाई कोर्ट के आदेश पर अंचलाधिकारी ने कराई मस्जिद रोड से आर्य समाज रोड तक की पैमाइश। पैमाइश के दौरान कार्यपालक पदाधिकारी एवं नगर प्रबंधक के साथ शिकारपुर पुलिस रही मौजूद। अतिक्रमणकारियों को चिन्हित कर हटाए जाएंगे अस्थायी अतिक्रमण। न्यूज 9 टाइम्स नरकटियागंज से रंजीत गुप्ता की रिपोर्ट। हाई कोर्ट के आदेश पर नरकटियागंज अंचलाधिकारी एवं नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी सिटी मैनेजर के द्वारा नगर परिषद अमीन रामजी प्रसाद एवं अंचल अमीन कृष्ण प्रताप अमित कुमार एवं ब्यूटी कुमारी के द्वारा पैमाइश कराई गई। पैमाइश के दौरान किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो इसको लेकर शिकारपुर पुलिस के साथ अंचलाधिकारी के निगरानी में पैमाइश कराई गई। वही अंचलाधिकारी ने बताया कि अभी पैमाइश कर अतिक्रमणकारियों को चिन्हित किया जा रहा है। इसके उपरांत बहुत जल्द नोटिस के माध्यम से सूचना दी जाएगी, उसके बाद अतिक्रमण मुक्त कर लिया जाएगा। न्यूज 9 टाइम्स। सर, तो अतिक्रमण जो है वो पूरे नगर का हटेगा या सिर्फ? चूंकि ये बस नगर परिषद से संबंधित मसला है, अभी तो अभी फिलहाल यहीं का काम चल रहा है। आर्य समाज रोड पर जो भी है जिन्होंने अतिक्रमण किया हुआ है उस संबंध में यह नाती है। इससे पहले जो अंकल अमीन आए थे नाती करने के लिए, तो उन लोगों को क्या अतिक्रमणकारियों द्वारा दुर्व्यवहार करके वापस कर दिया गया। आज आप मजिस्ट्रेट के तौर पर नियुक्त हैं, पुलिस बल भी थी, कार्यपालक पदाधिकारी महोदय भी थे, नगर परिषद मतलब नगर परिषद की पूरी थी। आज कहीं वैसी नहीं आज इस प्रकार की कोई समस्या नहीं आई है, क्योंकि बकायदा आज मजिस्ट्रेट में भी हूँ और थाना से पुलिस को है और ये साफ रूप से मौजूद, तो हम लोगों की मौजूदगी में शांतिपूर्ण तरीके से नाटक हो रहा है। ऐसा कोई समस्या आया नहीं है, लोगों का कोऑपरेशन है अभी। फाइनली जब होगा तो फिर सब सुन लिया जाएगा।